हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह रॉयल वाईफाई स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन, जी हाँ, यूपीटी पर एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो इंटरव्यू आपका चल रहा है, आज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम पूरा पूरा इस वीडियो में मेंशन करने की कोशिश किए हैं, ठीक है ना मित्रों? तो हम पूरा पूरा वीडियो देखें, आप निश्चित तौर से आपके लिए ये काफ़ी लाभदायक साबित हो सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम चाहेंगे हमारे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकान को बटन को दबा लें ताकि आने वाले तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग से होंगे तथा लगातार असिस्टेंट अकाउंटेंट के इंटरव्यू के क्वेश्चन आप तक हम पहुंचा सकें, ठीक है मित्रों? तो बिना समय का नुकसान किए हुए सीधे हम बढ़ लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आज कैंडिडेट से। ये देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश सहायक लेखाकार परीक्षक जो भी। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो हमारे बीकॉम के स्टूडेंट से पूछा गया था कि डीमैट खाता क्या होता है। तो डीमैट खाता दोस्तों, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए जो भी शेयर का ट्रेडिंग करते हैं जो व्यक्ति, उनके लिए डीमैट खाता खुलवाना जरूरी होता है। डीमैट का मतलब क्या है? डीमेटलाइज अकाउंट, ठीक है ना? जो शेयर का लेन देन करते हैं उनके लिए ये खाता खुलवाना अनिवार्य होता है। और भी अच्छे तरीके से आप अपने सभी मंडल से अध्ययन कर सकते हैं हमारे डीमैट खाता के बारे में। अच्छा, पूछा गया था नाबार्ड बैंक के बारे में बताएं। तो दोस्तों, नाबार्ड बैंक के बारे में जैसा जानते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी कहा जाए कि एक जो कंट्रोलर के रूप में कार्य करता है वो नाबार्ड काम करता है। जितने भी लोन दिए जाते हैं सब नाबार्ड के अंतर्गत होते हैं। अगर उसकी फुल फॉर्म की बात कर लें तो क्या इसका फुल फॉर्म है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 जुलाई सन 1982 में। इसके चेयरमैन कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। दिखा देता हूँ मैं आपको इमेज में, ये है हर्ष कुमार भनवाला जी, ये देख सकते हैं आप, ये हैं नाबार्ड के चेयरमैन मिस्टर हर्ष कुमार भनवाला जी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैथ से था, हमारे मैथ के स्टूडेंट से पूछा गया था बीएससी के, कि बेलन का वक्रपृष्ठ एवं आयतन का फार्मूला बताएं। तो दोस्तों, जैसे बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, 2πr h, ठीक है ना? वहीं आयतन के फार्मूले की बात कर लें क्या होता है? πr²h। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक शहर की जनसंख्या 50,000 है जिसमें इसमें 37% साक्षर है, तो निरक्षर जनसंख्या बताइए कितनी है। तो आप इसको बता सकते हैं कैलकुलेट कर करके। अच्छा, नाव और नदी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमारे बीएससी के स्टूडेंट से, ये साधारण ब्याज से प्रश्न पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन, जैसे ये पूछा गया था कि किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपया है तो 30% लाभ के लिए वह कितने में उस वस्तु को बेचे, ठीक है ना? तो 1560, ठीक है ना? 1560 रुपये में अगर बेचेगा तो उसे 30% का लाभ होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो था सॉरी, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रतिज्ञा पत्र के बारे में बताइए, पी नोट्स, प्रोमिसरी नोट्स के बारे में। तो प्रोमिसरी नोट्स के बारे में हम आपको बताए थे मित्रों कि ये हस्ताक्षर युक्त एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र हैं जिसमें लिखने वाला एक निश्चित राशि एक निश्चित व्यक्ति को अदा करने का वचन देता है, ठीक है ना? या उसके आदेशानुसार किसी व्यक्ति को अदा करने का वचन देता है। अगर हम करें पी नोट्स में कितने पक्षकार होते हैं? तो दो होते हैं, ठीक है ना? लेखक और भुगतान प्राप्तकर्ता। अगला क्वेश्चन था आपके लिए सीबीडीटी के बारे में बताइए। सीबीडीटी तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना? और अगर सीबीडीटी के हेड ऑफिस की बात कर लें तो नई दिल्ली में है। भारत में जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस से मामले होते हैं वो कौन देखता है? सीबीडीटी देखता है, ठीक है ना? और इसके चेयरमैन कौन है इसमें? श्री सुशील चंद्रा जी, ठीक है ना? सुशील चंद्रा जी को इमेज में दिखा देता हूँ, ये हैं सुशील चंद्रा जी, ये देख सकते हैं आप, ये हैं मिस्टर सुशील चंद्रा जो सीबीडीटी में वर्तमान में सीबीडीटी के चेयरमैन है, ठीक है ना? अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें तो ये 1964 में हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट, 1 जनवरी सन 1964 में जो है सीबीडीटी को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड से सीबीएसई से क्या किया गया था? अलग कर दिया गया था। तब से इसका एक अलग अस्तित्व हो गया है सीबीडीटी का, 1 जनवरी सन 1964 से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब ये पूछा गया था DICGC का फुल फॉर्म बताए। क्या होता है DICGC का फुल फॉर्म? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है ना? ये क्या है DICGC? क्या है ये? RBI का एक अंग है। ग्राहकों के प्रत्येक डिपॉजिट पर, जो भी करंट डिपॉजिट हो या सेविंग अकाउंट हो, जो भी डिपॉजिट होंगे प्रत्येक जो है अकाउंट पे ये 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रदान करता है DICGC, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नैसकॉम के बारे में पूछा गया था, नैसकॉम के बारे में बताइए।
तो वहीं हम नैसकॉम की अगर फुल फॉर्म की बात कर लें, क्या होता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है ना, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ठीक है ना। ये जिसकी स्थापना इसकी कब होती है, 1998 में, और भारत सरकार की आईटी से संबंधित जितनी भी नीतियां का निर्माण होता है इसमें नैसकॉम का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। अगर हम इसके चेयरमैन की बात कर लें तो नैसकॉम के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, मिस्टर रिशाद प्रेम जी, दिखा देता हूँ इमेज में, ये रिशाद प्रेम जी, ये देख सकते हैं आप इमेज में, ये हैं नैसकॉम के वर्तमान में चेयरमैन मिस्टर रिशाद प्रेम जी, ठीक है ना। अब बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब अगला क्वेश्चन था आपसे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम बताए, तो दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा महात्मा गांधी का दोस्तों आप लगातार इनका जन्म स्थान प्लेस डेट सब कुछ आप याद रखिए, इनके जन्मदिन के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर का, ठीक है ना। इनके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। इनकी कौन सी जयंती अभी 2 अक्टूबर का हाल में मनाई, 150वीं जयंती, इसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके लिए था कि चालू दायित्व के बारे में बताइए, ठीक है ना, करंट लायबिलिटीज क्या होता है। तो मिस्टर मित्रों चालू दायित्व के बारे में बात करें तो चालू दायित्व ऐसे दायित्व होते हैं जिनका भुगतान हमें शीघ्र करना होता है, ठीक है ना। जैसे लेनदार कोई होता है या फिर बीपी वगैरह जो बिल्स पेबल वगैरह होते हैं इनका हमें शीघ्र भुगतान करना होता है, ठीक है ना। तो अब इसी श्रेणी में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अच्छा ये प्रेषण अकाउंट पूछा गया था, प्रेषण अकाउंट क्या है, तो दोस्तों जैसे जानते हैं कि जब कोई व्यापारी, ठीक है ना, जब कोई व्यापारी अपना माल खुद ही अपने जब कोई व्यापारी अपना माल जो है गुड्स जो है अपने ही लेखे और अपने ही जोखिम पर आढ़तियों को अथवा जो भी कमीशन प्राप्त करता होता है उसको माध्यम से माल भेजने का जो है, जब कोई व्यापारी बिना मूल्य प्राप्त किए हुए, ठीक है ना, जब कोई व्यापारी बिना मूल्य प्राप्त किए हुए कमीशन पर बिक्री के लिए अपने प्रतिनिधि को माल भेजता है तो उसे जो व्यापारी के ही लेखे और जोखिम पर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और माल जो भेजता है उसे क्या बोला जाता है, कंसाइनर, और जो प्रतिनिधि जिसे माल भेजा जाता है उसको क्या बोला जाता है, कंसाइनी, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, रिजर्व क्या है पूछा गया था आपसे कि रिजर्व क्या है, सॉरी, तो रिजर्व या संचय से हमारा मीनिंग ये है दोस्तों कि साधारण शब्दों में ये बोल सकते हैं कि संचय से आशय उन राशि से है, उन अमाउंट से है जिन्हें संबंधित वर्ष के लाभ, जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उस ईयर के जो भी प्रॉफिट होंगे और अन्य सरप्लसेस में से, ठीक है ना, अन्य अधिकों में से ज्ञात एवं अज्ञात हानियों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। जब कोई मतलब किसी भी जोखिम को अगर कोई जोखिम आए तो उसको पूरा पूरा जो है वियर करने के लिए, सहन करने के लिए, जो भी अपने दायित्व का भुगतान करने के लिए तथा व्यावसायिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। संचय को लाभांश खाता कहाँ दिखाया जाता है, जो रिजर्व होता है उसे कहाँ दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, ठीक है ना, और तथा चिट्ठी के दायित्व पक्ष में रिजर्व को दिखाया जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग, औसत औसत भुगतान तिथि के बारे में पूछा गया था, एवरेज ड्यू डेट के पूरे, तो एवरेज ड्यू डेट के और भी नाम से क्या जाना जाता है, क्या जाना जाता है, माध्य दातव्य तिथि, ठीक है ना। तो हम औसत भुगतान तिथि से ऐसे एक ऐसी समीकृत तिथि से है, एक ऐसी समीकृत तिथि से जिस पर भुगतानकर्ता जो विभिन्न डेटों पर देय भुगतानों को ना दे करके उस डेट पर देने की जो है प्रयत्न करता, जिसे दोनों को जो भी लेनदार होंगे देनदार होंगे उनको दोनों में से किसी को ब्याज की हानि ना हो, ठीक है ना, ऐसा डेट पर देने को राजी होते हैं दोनों लोग कि दोनों को कोई ब्याज के किसी प्रकार से लाभ या हानि ना हो, ठीक है ना। और भी अच्छी तरीके से आप इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं औसत भुगतान तिथि के बारे में। अच्छा ये पूछा गया था हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ और विजेता टीम के बारे में पूछा गया था, तो मित्रों फीफा वर्ल्ड कप अभी हाल में ही कहाँ पे हुआ था, एक मिनट, वही फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों कहाँ पे हुआ था, रसिया में, ठीक है ना, रूस में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप,
वहीं चैंपियन की बात कर लें, विजेता टीम कौन थी? फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस जो है विजेता टीम थी, और उप विजेता टीम कौन थी? क्रोएशिया। क्रोएशिया उप विजेता टीम थी और फ्रांस जो है विजेता टीम थी, विनर टीम थी। और अच्छा वहीं हम फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में होना, वो कहाँ पे होना इसके बारे में भी कर लेते हैं। तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप शायद कतर में होगा दोस्तों, आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि कतर में अगला फीफा वर्ल्ड कप होना सुनिश्चित हुआ है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके लिए था, स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन है मित्रों, ठीक है ना। मैं इसमें लिखने से छूट गया है, ये पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन है। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। वहीं अगर हम पहले गवर्नर की बात कर लें आरबीआई के, कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है ना। सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगर वहीं हम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो सन 1943 से लेकर सन 1949 तक कौन थे? सीडी देशमुख। इमेज में आपको दिखा देता हूँ कि ये हैं जो सीडी देशमुख जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे स्वतंत्रता के समय में, ये देख सकते हैं आप, ये थे सीडी देशमुख जी आरबीआई के स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत के प्रथम गवर्नर मिस्टर सीडी देशमुख जी, ठीक है ना मित्रों। अब बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगला क्वेश्चन आपके लिए था कि राज्यपाल की नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है। तो मित्रों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो दिलाते हैं, ठीक है ना। वहीं हम अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात कर ले, कौन है? श्री राम नाईक जी, ठीक है ना। अच्छा मित्रों इसी श्रेणी में आपको मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम बताइए। और ये भी पूछा गया था कि मुख्यमंत्री जी का पूरा नाम बताइए और इनका जो है जन्म स्थान कहाँ पे है, ये भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, मैथ से क्वेश्चन था बीएससी वालों से कि कॉस स्क्वायर थीटा जैसे और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताइए। तो दोस्तों मुझे ये कंफर्म नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इसके बारे में आप जान सकते हैं, देख सकते हैं अपने। अच्छा ये पूछा गया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम एवं कार्यकाल। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना। ये लगातार 2 बार इन्होंने अपने कार्यकाल का निर्वहन किया है। वहीं उपराष्ट्रपति की बात कर लें, कौन थे प्रथम? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी। अच्छा अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए मित्रों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते हैं मित्रों क्या होता है, इसमें हीरो फार्मूला लगता है ना, अंडर रूट यस इंटू छोटे कोष्ठक में यस माइनस ए। या आप ये अच्छी तरीके से आप अपने सर्वे मटेरियल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है ना मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम बताइए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम बताइए। तो मित्रों मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। वहीं मुख्यमंत्री की बात कर लो, कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान, ठीक है ना। शिवराज सिंह चौहान जी वर्तमान में अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अभी हाल ही में नवंबर दिसंबर में वहाँ पर एग्जाम हो सॉरी जो है चुनाव होना संभावित हुआ है विधानसभा का, और सॉरी जो अभी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के साथ साथ में 5 और 4 और राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। अच्छा ये पूछा गया था भारत के गणितज्ञ के नाम बताइए। तो जैसे आर्यभट्ट वगैरह आप बता सकते हैं भारत के गणितज्ञ के बारे में, और भी आप इनके बारे में और भी जो भी गणितज्ञ के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम बताइए। तो मित्रों महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है इस समय? सी विद्यासागर राव, कई बार हम आपको बता चुके हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, ठीक है ना। तो ये थे क्वेश्चन जो हमें लगा कि इस वीडियो में आपको मेंशन किया जाए। और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछे गए थे आज एग्जाम में। अच्छा ODOP के बारे में भी पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये था आपसे पूछा गया था कि संविलियन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कंपनी के एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और रॉयल्टी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, कि रॉयल्टी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बीकॉम के स्टूडेंट्स के। और ये भी पूछा गया था कि भारत के जो है HRD मिनिस्टर कौन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, शिक्षा मंत्री भारत के कौन है। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि
असम, ठीक है, असम से भी, असम राज्य से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और आपका ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम बीएससी की बात कर लें तो बीएससी में दोस्तों आपसे जो है न्यूटन के नियम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, आर्कमिडीज का सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसके साथ साथ ये बल की परिभाषा पूछी गई थी आपसे और कार्य की परिभाषा पूछी गई थी आपसे। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे आज इंटरव्यू में लगभग पूछे गए हैं, यही सब क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हमसे छूट रहे हैं मित्रों, जो हमें प्राप्त हुए हैं वो हमने आपको बताया है, ठीक है ना? तो ठीक है, अब हम कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।